हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज में। कल हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में कल हमने टेंस वाली क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी नाम होता है अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी नाम होता है अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है। चलिए देखते हैं वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि आता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। सेकंड एग्जाम्पल है सीता गाना गाती है। थर्ड एग्जाम्पल वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। जैसे यहाँ पे तीन वाक्य हैं, ठीक है। पहला वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, सेकंड सीता गाना गाती है, थर्ड है वे क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके मेथड के बारे में। मेथड जिसको हम हिंदी में विधि कहते हैं, अब इसके मेथड के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आई वी यू दे, सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर जिसको इंग्लिश हिंदी में बहुवचन कहा जाता है, प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ वर्ब मीन्स क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर जिसको हिंदी में एकवचन कहा जाता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एकवचन कहा जाता है, एकवचन के साथ वर्ब की
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, एग्जांपल राम पुस्तक पढ़ता है, इंग्लिश में होगा राम रीड्स अ बुक। ठीक है, राम रीड्स अ बुक। सेकंड एग्जांपल सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। थर्ड एग्जांपल है वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में बहुवचन भी कहा जाता है, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहा जाता है। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है राम रीड से बुक, रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस लगा है, राम रीड से बुक। सेकंड देखते हैं सीता सिंग से सॉन्ग, सिंग्स में यस लगा है, इसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है सिंग में यस लगा है, इसी कारण ये सिंग्स हुआ। दे प्ले क्रिकेट, अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट में क्या है, दे, इसमें मैं लिखाया हूँ दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, दे के साथ अगर सब्जेक्ट दे रहेगा उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता, जबकि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है राम रीड से बुक। राम क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, इसी कारण वर्ब में यस लगा है। सीता सिंह से सांग, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, किस प्रकार की सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, इस कारण से सिंह में यस लगा है। दे का हिंदी अर्थ होता है वे मतलब प्लूरल नंबर होने के कारण ही इसमें प्ले में यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस क्रिया के साथ यस लगाया जाएगा और किस क्रिया के साथ ईएस लगाया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न यहां उठता है कि किस क्रिया वर्ब के साथ यस लगेगा। और
किसके साथ और किसके साथ ईएस का प्रयोग होगा। इसके लिए जिस क्रिया का अंत ए ई आई ओ यू, जिस क्रिया का अंत ए ई आई ओ यू, जिसको हम वावेल भी बोलते हैं, वावेल हिंदी में स्वर, ठीक है, जिस क्रिया का अंत ए ई आई ओ यू से हो उसमें ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है, बाकी सभी के साथ यस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न यहां उठता है कि किस क्रिया के साथ यस का प्रयोग करेंगे और किस क्रिया के साथ ईएस का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जिस क्रिया का अंत ए ई आई ओ यू से हो उसमें ईएस का यूज किया जाता है, बाकी क्रिया के साथ यस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, उसमें यस या उसमें वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और मान लो सब्जेक्ट ही सी ईट तथा सिंगुलर नंबर आता है, ठीक है, ही सी ईट तथा सिंगुलर नंबर आता है तो उस क्रिया के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्ट ही सी ईट तथा सिंगुलर नंबर आता है तो उसके साथ जो भी क्रिया लगता है उस क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाया जाएगा या यस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल को ही देखते हैं, इसी को देखते हैं। पहला दिया है राम रीड्स ए बुक। इस एग्जांपल में राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, राम सब्जेक्ट है। रीड क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रीड्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे राम लगा है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, राम है, इसी कारण रीड क्रिया के अंत में यस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे दे लगा है, सब्जेक्ट दे का यूज हुआ है, इसी कारण इसके साथ जो क्रिया यूज हुआ है उसमें यस या ईएस का यूज नहीं किया गया है। जैसे दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसमें दे प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ यस या ईएस का यूज नहीं किया गया है। मैंने पहले ही बताया था आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा उस कंडीशन में उसके साथ जो भी क्रिया का यूज किया जाता है उस क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाया जाता है। जबकि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ जिस क्रिया का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर या एक वचन के साथ जिस क्रिया का यूज किया जाएगा उस क्रिया के अंत में यस या ईएस का यूज किया जाएगा, ठीक है।
अब प्रश्न यहाँ उठता है कि किस क्रिया के साथ यस लगाए और किस क्रिया के साथ ईएस लगाए। इसके लिए जिस क्रिया का अंत ए ई आई ओ यू से हो उसके अंत में ईएस का यूज किया जाता है और बाकी सभी के साथ यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे राम रीड्स ए बुक। ठीक है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, ये वर्ब है। रीड्स क्या है, वर्ब है, रीड क्रिया के अंत में यस लगा है, और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे प्ले क्रिकेट। सेकंड एग्जांपल दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, इसमें दे क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले प्ले के साथ यस है, यस नहीं लगाया गया। ठीक है, क्योंकि प्ले एक क्रिया है, प्ले एक वर्ब है, दे सब्जेक्ट दे आया है, इसी कारण प्ले के साथ यस या यस का यूज नहीं होगा, प्ले वर्ब है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ब में यस या वर्ब के साथ यस या यस का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा तो क्रिया के साथ, उसके साथ जो भी क्रिया लगेगा उस क्रिया के साथ यस या यस का यूज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ जिस भी क्रिया का यूज होगा उस क्रिया के अंत में यस या यस का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अब एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा। ठीक है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट में आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सी ईट, अगर सब्जेक्ट ही सी ईट तथा सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है, यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर रहेगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। ठीक है,
राम रीड्स ए बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, राम रीड्स ए बुक का निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? राम डज नॉट, राम डज नॉट रीड ए बुक, ठीक है, राम डज नॉट रीड ए बुक। यहाँ पे रीड्स था, रीड क्रिया के अंत में यस जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ये रीड क्रिया के अंत का यस निकल कर ये डज हो गया, ठीक है। राम डज नॉट रीड ए बुक, यहाँ पे रीड आ गया इसी कारण यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डज आ गया इसी कारण यहाँ रीड से यस निकल गया, ठीक है। तो क्या होगा? राम डज नॉट रीड ए बुक, और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसी कारण यहाँ पे नॉट आया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा? ये जो डज है वो सामने आ जाएगा, डज राम, डज राम रीड ए बुक, रीड ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राम पुस्तक पढ़ता है? यहाँ पे आया राम पुस्तक पढ़ता है, सेकंड में राम डज नॉट रीड ए बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता, थर्ड क्वेश्चन थर्ड में है डज राम रीड ए बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये होगा डज राम नॉट रीड ए बुक, डज राम नॉट रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे डज सामने आ गया, डज सामने आ गया, इसीलिए यहाँ एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। यहाँ पे नॉट आया, नॉट, नॉट आने के कारण ये निगेटिव सेंटेंस बना, ठीक है। डज राम नॉट रीड ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से हम चार सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस राम रीड से बुक, रीड क्रिया था उसमें यस जुट गया, ठीक है, राम रीड से बुक। सेकंड निगेटिव सेंटेंस राम डज नॉट रीड ए बुक, ठीक है, रीड्स का जो यस लगा था वो हट जाता है निगेटिव सेंटेंस में, रीड में जो क्रिया में जो यस लगा था, यस से यस लगता है वो हट जाता है, ठीक है, राम डज नॉट रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डज राम रीड ए बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डज राम नॉट रीड ए बुक, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं दे का यूज करके, सब्जेक्ट दे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस, they play cricket, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है इसी कारण प्ले के साथ यस या यस का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा they do not play cricket, आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर रहेगा तब क्रिया में यस या यस नहीं लगता, इसी कारण यहाँ पे डू आया, क्या आया डू, दे क्या है सब्जेक्ट है, डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू दे
प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका क्या होगा, डू डू सामने आ जाएगा, दे नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। कल के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।